हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा हर्सुटिज्म के बारे में। ये क्या होता है, क्या कारण होता है होने का, और क्या लक्षण मरीज में देखा जाता है। दोस्तों, इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या होम्योपैथिक की दवाइयां हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, महिलाओं में आजकल अनचाहे बालों की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, वैसे तो फीमेल्स में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा होती नहीं, चेहरे पे बाल होते नहीं या और कहीं भी बाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, और जो होते भी हैं वो बहुत ही छोटे रुएं जैसे होते हैं जो स्पष्ट तरीके से नहीं दिखते। दोस्तों, जब ये बाल स्पष्ट तरीके से शरीर पे नज़र आने लगे, खास करके फेस पे या और कहीं हाथ पैर पे, तो उसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, फीमेल हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये इसकी कमी हो जाती है और एंड्रोजन की अधिकता हो जाती है। दोस्तों, इसी की वजह से मेल पैटर्न जो है दिखने लगता है, इसमें दाढ़ी आने लगती है, मूछें स्पष्ट दिखने लगती है, हाथ पैर में बाल ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके कारणों की, जिसका मुख्य कारण है वो है फीमेल हार्मोन के कंपैरिजन में एंड्रोजन का बढ़ना। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है और इसी वजह से मेल जैसे करैक्टर शरीर में दिखने लगते हैं, बालों की समस्या हो जाती है। फ्रेंड्स, फीमेल हार्मोन जो है वो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली ना बढ़ते हुए जो उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में एंड्रोजन होता है वो बढ़ने लगे तो ऐसी समस्या होती है। फ्रेंड्स, ऐसे कई कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि PCOD PCOS में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि PCOD PCOS में ऐसा समस्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें दूसरी समस्या को, अगर आपके शरीर में इंसुलिन हमेशा हाई रहे तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, कॉर्टिसोल आपका ज़्यादा है, तो आपको ऐसी समस्या हो सकती है, जैसे कि कसिंग सिंड्रोम में होता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये सब इसके कुछ कॉमन कॉजेस थे जिसकी वजह से ऐसा देखा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें लक्षणों की, तो फीमेल्स में कुछ कॉमन सिम्टम दिखाई देता है हर्सुटिज्म में, जो कि है चेहरा पर बाल, ठुड्डी पर बाल, अपर लिप्स में बाल, हाथ पैर में बाल और पेट में, पीठ में बाल ज़्यादा होना। दोस्तों, साथ ही साथ आवाज़ का भारी होना और उसके साथ ही साथ मसल गेन होना, वेट का इंक्रीज होना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक्ने वगैरह की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ऑयली स्किन की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसमें क्या है, ब्रेस्ट का एट्रॉफी देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट छोटी हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है। दोस्तों, अगर बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं इसके अंदर, तो दोस्तों जो अपनी पहली होम्योपैथिक और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है वो है थूजा। फ्रेंड्स, थूजा हमें 1 ml लेना है और केवल सुबह खाली पेट लेना है। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लगभग देखेंगे 6 महीने 7 महीने में आपकी सारी जो हार्मोन चेंज की समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अपनी जो अगली मेडिसिन है वो है ओलियम जैक। ओलियम जैक फ्रेंड्स हमें 3x ट्राइचुरेशन में लेना है। इसे हमें 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम में सिंपली ज़ुबान पर रख के चूस जाना है। तो दोस्तों, जो अपनी अगली मेडिसिन है वो एक पेटेंट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, REPL कंपनी द्वारा ये बनाई जाती है और REPL का ये 53 नंबर बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है, क्योंकि दोस्तों इसका कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये REPL की 53 नंबर ड्रॉप हमें 15 से 20 बूंद दिन में 3 से 4 बार ही लेना है, आधे कप पानी में। दोस्तों, अब बात करें अगर नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला 30। दोस्तों, पल्सटिला 30 हमें दिन में 3 से 4 बार ही लेनी है। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रामियूर CM पोटेंसी। फ्रेंड्स, नेट्रामियूर CM हमें केवल 1 खुराक लेनी है दवा को सारी स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि हमने आज सुबह नेट्रामियूर लिया
तो हम आज से दवा नहीं स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हम दवा फिर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, परसों से यानी। तो दोस्तों ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं और कैसे मेडिसिन के साथ जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। दोस्तों हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना चाहिए, सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखनी चाहिए, अल्कोहल वगैरह क्विट कर देना चाहिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम से कम रखना चाहिए। दोस्तों शुगर लेवल को कम रखिए, बॉडी वेट मैनेज कीजिए और लो कैलोरी डाइट खाइए, ऑयली चीज़ें नहीं खाइए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इससे बचे रह सकते हैं और अगर हो गया है तो मेडिसिन के साथ जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।